मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो बात की है, चीज हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने खलजी वंश पढ़ा, देखा, ठीक है, खलजी वंश की बात की थी। और इस खलजी वंश के अंतर्गत ये देखा गया कि संस्थापक जलालुद्दीन खलजी के किस प्रकार से हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं। और जब अलाउद्दीन खलजी या खलजी वंश की हम लोग बात करते हैं तो इसमें यह भी देखते हैं कि इसी समय से योग्यता को आधार बनाया गया प्रशासन में प्रवेश का, यानी आप अगर योग्य हो तो आप प्रशासन में आओगे, यदि आप योग्य नहीं है तो आप प्रशासन में सम्मिलित नहीं हो सकते। आप किसी भी धर्म वंश से हो, बस योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इससे पूर्व जो स्थिति थी उसमें आप अगर तुर्क हैं तो प्रशासन में आ सकते हैं, तुर्क नहीं है तो आप चाहे जितने योग्य हो प्रशासन में नहीं आ सकते। जब हम लोग जलालुद्दीन खलजी के पश्चात अलाउद्दीन की बात करते हैं तो हम लोगों ने यह देखा कि इसी योग्यता के आधार पर अलाउद्दीन की सेना सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण दक्षिण भारत को रौंद डाला, मंगोलों के खिलाफ आक्रामक नीति का उपयोग और साथ ही साथ कई युद्धों में मंगोलों को लगातार पराजित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्व वृद्धि, यानी राजस्व की मात्रा बढ़ा दी। इसके अतिरिक्त उसने बाजार बंदोबस्त, इसके अतिरिक्त राजपूतों पर विजय, इसके अलावा विश्व विजय की कल्पना, ये सारी चीजें और ऐसे लोगों के माध्यम से जिनके विषय में पूर्व में, यानी खलजी वंश की स्थापना से पूर्व जिनको बहुत ज्यादा योग्य नहीं माना गया था, जैसे जब हम अलाउद्दीन की ही बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी के समय इसे दामाद प्लस भतीजा दोनों था, लेकिन इस समय भी इसकी योग्यता को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जलालुद्दीन खिलजी की जब डेथ होती है, उसकी हत्या किया जाता अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि अलाउद्दीन तो शासक हो गया, अलाउद्दीन ने अपने भाई अलमास खान, उसको उलूक खान, और देखिए पूरा गुजरात विजय उसी ने किया, जफर खान एकदम नॉर्मल व्यक्ति, मंगोलों में इतना ज्यादा डर पैदा कर दिया कि वही वाला स्थिति हो गई कि जब गब्बर डायलॉग बोलता है कि जब कोई बच्चा इलाके में रोता है तो उसकी मां कहती है बच्चा चुप हो जा, नहीं गब्बर आ जाएगा। तो खुसरो ये कहते हैं, बर्नी का कथन यह है कि मंगोलों का जब कोई घोड़ा पानी नहीं पीता था तो मंगोल उससे कहते थे, क्या तुमने जफर खां के सौरी को देख लिया जो पानी पीना भूल गए। यानी ऐसे लोगों की योग्यता को सामने ले आया जिनके विषय में यह माना जाता था इनमें वो क्षमता ही नहीं है। योग्यता हर व्यक्ति में होती है, उसकी क्षमता को पहचानना जरूरी है कि वो क्या काम अच्छा कर सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी विधा में पारंगत होता है। तो ये चीजें आई, ठीक है। अलाउद्दीन के बाद मुबारक साहब, अब क्या कहा जाए इनके विषय में, सबसे बड़ी बात नग्न लोगों की संगति, इसे पसंद है, खुद भी कभी कभी स्त्रियों की वेशभूषा पहन करके दरबार में पहुंच जाया करता था। दरबार चल रहा हो मस्ती से, अचानक कपड़े उतारा, नंगा हो गया, दरबार में दौड़ने लगा। अब ये बात सही है, लेकिन चूंकि उस समय के इतिहासकार जो उस समय थे उन लोगों ने इसकी इन सब हरकतों को कहा है, तो स्वाभाविक है कि चीजें तो कुछ न कुछ सही रही होंगी। स्थिति ये कि इसका सबसे नजदीक खुसरो शाह उसे खुलेआम दरबार में पकड़ के चुम्बन कर लेता था।
खुलेआम दरबार में वो आलिंगन कर ले रहा है, बाहों में भर लेना बात तो सामान्य बात है, चलो दोस्ती में, लेकिन किस तरीके से आप भर रहे हैं किसी को बाहों में, ये सब चीज निर्भर करती है। तो एक सुल्तान अगर ऐसी चीज कर रहा है तो वहां दिक्कत थी, स्वयं को खलीफा से भी ऊपर मान लेना, खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर लेना, ये पागलपन वाले लक्षण थे। और अगर दरबार में सुल्तान ही नग्न होकर के दौड़ने लगे तो शायद कोई भी अच्छा व्यक्ति दरबार में नहीं बैठना चाहेगा, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो उससे फायदा लेना चाहेंगे वो लोग जरूर सुल्तान के नजदीक हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग मजबूरी में नहीं स्वार्थवश सुल्तान के साथ नग्न होकर के मेल मिलाप कर ले। इसलिए खुसरो ये कहते हैं कि मुबारक शाह की हरकतों ने उसके दरबार को वेश्याओं और भड़ुओं का अड्डा बना दिया। भैया ऐसे में तो वेश्याएं रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, भड़ुए भी रहेंगे ऐसे में, तो ये सारी चीजें। इसलिए मुबारक शाह कलजी की हत्या होती है किसके द्वारा, खुसरो शाह द्वारा। खुसरो शाह द्वारा यानी जिसको वो खुलेआम चुम्बन करता था, जिसे वो अपने सबसे नजदीक मानता था, जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था। पत्नी खुलेआम चुम्बन नहीं करता था, खुसरो शाह को बीच दरबार में चुम्बन कर लेता था, आलिंगन कर लेता था, और धोखा भी खुसरो शाह ने ही दिया। इसकी हत्या इसी के द्वारा की गई, सोची। और जब अपने स्वामी के साथ, अपने प्रेमी के साथ विश्वासघात करके तुम गद्दी प्राप्त करते हो तो स्वाभाविक है तुम्हारे साथ भी वही होगा, और गद्दी प्राप्त करने के 6 महीने के बाद ही गजनवियों ने इस्लाम खतरे में है, इस्लाम के शत्रु के नारे लगाए और एक सैन्य अभियान में ऊपर, और एक नया वंश सत्ता में आता है, तुगलक वंश, सॉरी गजनवियों ने नहीं, तुगलकों ने, ठीक है, एक नया वंश आता है सत्ता पर, तुगलक वंश। और आज हम तुगलक वंश की ही बात करते हैं क्योंकि तुगलक वंश कुछ खास है मध्यकालीन इतिहास में, उसके कार्य या उसके शासक। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश के अंतर्गत जब हम शासकों की बात करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए जिनमें हम मात्र 3 ही जानते हैं जो महत्वपूर्ण थे। उन 3 के पश्चात स्वतंत्र प्रांतीय राजवंशों का उदय होता है और दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे से क्षेत्र में ही सिमट कर रह जाता है। इसके बाद सैयदों के समय भी वही स्थिति होती, किसी तरीके से दिल्ली सल्तनत को जीवित, लेकिन हाँ जब लोदी होते हैं तो उन्होंने उसका कुछ क्षेत्र विस्तार किया, लेकिन पुनः दिल्ली अकबर जब गद्दी पर बैठते हैं तब वो विस्तार और अपना रूप लेती है। तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के पतन का भी जिम्मेदार था, कुछ नीतियां नहीं होंगी, और इसके कुछ शासक सामाजिक दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला शासक इसमें जो संस्थापक भी है, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, ठीक है, एक इकलौता ऐसा ये वंश है जिसे हम स्थानीय वंश की संज्ञा देते हैं। स्थानीय वंश भी कहते हैं, क्यों स्थानीय वंश कहते हैं, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का जो जन्म होता है, गयासुद्दीन तुगलक का जन्म एक जाट कन्या से हुआ, यानी इसकी माता जाट थी, ठीक। अब अगर माता जाट हैं तो यानी स्वाभाविक है कि गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर
हिंदुत्व का भी कुछ न कुछ प्रभाव रहा होगा। और यह प्रश्न भी आता है कि कौन किसकी माता, किन शासकों की माता हिंदू थी। तो पहला शासक जिसकी माता हिंदू थी, ये याद रखिएगा, अभी आगे और भी आएंगे, ठीक है। देखिए पहला तो ये हो गया। दूसरा मुहम्मद बिन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, 26 वर्षों का शासन। मोहम्मद बिन तुगलक की जब हम लोग बात करते हैं तो ये देखते हैं कि मुहम्मद बिन तुगलक संपूर्ण सल्तनत काल में अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है, यह अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है, कई प्रयोग किए, यहां तक कि योग्यता के आधार पर भर्तियां की, ठीक। अब देखिए इसमें एक रतन नाम के हिंदू को राजस्व अधिकारी बनाया, अधिकारी बनाया, एक मोरक्को के यात्री को इसने दिल्ली का कोतवाल बनाया। मोरक्को का यात्री कौन? इब्न बतूता, पहन के जूता। अब आगे वाला पता नहीं कहा, ठीक। तो ये चीजें आई। अब इसके बाद जब किसी की हम बात करते हैं तो वो है फिरोज शाह तुगलक, तुगलक 1351 से 1388। मुख्यतः तुगलक वंश में यही तीन प्रमुख शासक हुए, इनके बाद सुल्तानों का एक क्रम चलता है और तुगलक वंश लगभग बहुत छोटे से क्षेत्र में, क्योंकि अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के विषय में कहा जाता है विश्व विजयी सम्राट का शासन दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। विश्व विजय किया है और साम्राज्य कहां तक फैला है? दिल्ली से पालम तक। और पालम कहां? दिल्ली हवाई अड्डा 12-14 किलोमीटर। तो विश्व विजयी सुल्तान का क्षेत्र 12 से 14 किलोमीटर त्रिज्या की परिधि में फैला हुआ है। भाई इससे बड़ा विश्व विजयी कौन हो सकता है? कोई नहीं, ठीक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की जब हम लोग बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसने सामाजिक कार्य कई नए विभाग, 2-4 विभागों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे नए विभागों की स्थापना इसी ने की। नहरें, सड़कें, सराएं, इसके अलावा सड़क बनवाया, नहर बनाया, सराय बनवाई, ठीक है, अस्पताल खुलवाए, दास विभाग का अलग से सृजन ही कर दिया, दास पे रोक लगा दी कि दास्ताब नहीं हो सकती, खुदे दास विभाग बना दिया, कारखाने एक से एक बनवाए, ठीक है। तो ये सारे काम इसके द्वारा किए गए, लेकिन इन्हीं के समय वजीर की शक्ति सर्वोच्च थी। तुगलक वंश में वजीर सर्वोच्च स्थान रखता था। जितना तुगलक वंश में वजीर को शक्ति मिली उतना कभी नहीं मिली, ठीक है। तो इनके बाद के शासक जो है उन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं, मूलतः तीन यही हैं, तो हम लोग बात भी आज इन्हीं तीन की करेंगे, इसके बाद बस उनका नामकरण हो जाए, बात करते हैं। चलिए गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए कोई नया सुल्तान बनता है, यार जैसे यूपी की ही बात ले लें तो मान लो 22 में चुनाव है, उसमें योगी जी मुख्यमंत्री पुनः आ जाते हैं, तो योगी जी का काम क्या रहेगा? इस समय जो योजनाएं उन्होंने कंटिन्यू की हैं उन योजनाओं को ही आगे बढ़ाना। अब मान लो 22 के चुनाव में उल्टी हो जाए, उल्टी प्रक्रिया हो जाए,
योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, कोई और आ जाए, तो जो आएगा दूसरा व्यक्ति वह क्या योगी जी द्वारा चलाई गई योजनाओं पर उतने ही मेहनत और जोर शोर से लगेगा जितना योगी जी लगे हैं? नहीं, वो क्या करेगा, योगी जी द्वारा चलाई गई योजनाओं को हो सकता है नया नाम दे करके अपना श्रेय लेना चाहे, हो सकता है उन योजनाओं पर फोकस ना करे, कुछ नई योजनाएं डाल दे उन पर वो फोकस करे, तो ये परिवर्तन होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो चीजें जैसे जैसे अलाउद्दीन ने लागू की थी, वंश परिवर्तन के साथ ही व्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। पहला परिवर्तन, इन्होंने रस्मो मियान की नीति का पालन किया। इसका तात्पर्य होता मध्यवर्ती, मध्यवर्ती नीति, ठीक, अर्थात ना ज्यादा कठोरता और न ज्यादा उदारता। ज्यादा उदारता क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का शासन बहुत ही कठोर था, इन्होंने उस शासन में थोड़ी सी ढिलाई की। अब ढिलाई कैसे की, ये देखिए, पहला जो काम किया राजस्व की मात्रा में कमी कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के समय राजस्व की मात्रा कितनी थी, लगभग 50%, और दूसरे घरी चरी और सब जो टैक्स होते थे वो सब भी ले लिया जाए तो वो सब मिलाकर के लगभग 75-80% राजस्व हो जाता था। किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अब इन्होंने राजस्व की मात्रा में कमी की है, तो कमी कितना कर दिया, 1/8 से लेकर के 1/10 तक, अर्थात लगभग 25% से 30% तक। चलो ये चीज हुआ। अब इनकी सोच क्या थी, इन्होंने ये कहा कि किसानों पर टैक्स लगा करके हम राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकते, भाई अधिक से अधिक टैक्स वसूल कर लिया जाए तो इससे राजस्व में वृद्धि नहीं होती है, स्वाभाविक। जब आप टैक्स की मात्रा ज्यादा बढ़ा देंगे और स्थिति ये हो जाए कि किसान जितना भी ज्यादा उत्पादन करे उसको एक थोड़ा सा हिस्सा ही मिल पाए और अतिरिक्त जीविका चलाने के लिए उसे अतिरिक्त कार्य करना पड़े, तो किसान क्या सोचेगा, जब हमको 12 महीने अतिरिक्त काम करने हैं पेट पालने के लिए तो हम अपने खेत में भी एक्स्ट्रा टाइम क्यों दें, और वो खेती करने से दूर हटने लगेगा। इसलिए इसने कहा नहीं, किसान अगर खेती करता है तो उसे खेती में कुछ लाभ होना चाहिए, अगर चीजों में वृद्धि करनी है, राजस्व में वृद्धि करनी है तो उसके लिए भूमि की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए, यानी ऊसर भूमि को, सॉरी बंजर भूमि, ऊसर नहीं बंजर, बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जाए, जंगल की भूमि को खेती योग्य बनाया जाए, यही जंगल उंगल साफ करो खेती योग्य बनाओ, ये सारी चीजें। इसीलिए इन्होंने एक काम किया, सिंचाई के साधन के रूप में नहर निर्माण करवाया। मध्यकालीन शासकों में नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान, याद रखिएगा इसको, कई बार पूछा गया है भारत में मध्यकालीन इतिहास के किस शासक ने सर्वप्रथम नहर का निर्माण करवाया, तो वो है गयासुद्दीन तुगलक, याद रहेगा, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, संभव है याद रहेगा क्योंकि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, अगर ये याद है तो वहीं आप ये भी याद रखिए कि प्रथम सुल्तान जिसने नहर का निर्माण कराया, रस्मो मियान की नीति का क्रियान्वयन किया, ठीक है, निकाल ले इसे थोड़ा सा।
कार्ड है। ठीक है, अब देखिए देवगिरी का अभियान किया, किसके समय में हो गया था? ये देवगिरी का जो विजय है ये मुबारक ने ही कर लिया था, मुबारक शाह खिलजी ने ही। इसने देवगिरी अभियान किया वारंगल विजय हेतु, वारंगल विजय हेतु देवगिरी का अभियान करते हैं स्वयं न जाकर के, अपने पुत्र जौना खां, जौना खां भी मिलता है, जूना खां भी मिलता है, और यही जौना या जूना जो है बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं एक नए नाम के साथ। ठीक है, इनको भेजा गया, वहां पर कुछ अफवाह टाइप में फैल गया, कहा गया कि सुल्तान मर गए, ये यहां शासक बन गया, ये सब चीजें कि गयासुद्दीन तुगलक मर गए, बेटा यहां है तो वहां कुछ और हो सकता है, और सेना में ही विद्रोह हो गया और जौना खां को बिना वारंगल विजय किए ही पुनः देवगिरी वापस आना पड़ा। कहते क्योंकि बीच में जो संचार के साधन थे कि दिल्ली की सूचनाएं वहां तक पहुंचती रही, वो साधन टूट गया था, इसीलिए सारी अफवाह भी फैली, और जिन लोगों ने फैलाया बाद में जौना खां ने उन्हें दंडित किया और पुनः सेना को संगठित करने के बाद वारंगल का अभियान। कहते हैं जब अभियान वारंगल का पुनः किया तो इसमें वारंगल जीता गया और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी की नीति क्या थी? दक्षिण के जिन राज्यों को जीता जाएगा उन राज्यों से सिर्फ अधिकतम धन की वसूली, उनसे एक राजस्व की निश्चित मात्रा प्राप्त करना और उन राज्यों को उनके शासकों के पास ही छोड़ देना, खुद उंगली करने नहीं जाना है वहां। यहां पर क्या हुआ कि क्षेत्र जीतने के बाद उसको अपने साम्राज्य में अंग बना लेना, यानी आप वहां शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली, प्रशासन, जो भी चीजें होंगी वो अब आप स्वयं करेंगे। कहीं ना कहीं यहां ये गलती थी, जैसे भी केंद्र से जब क्षेत्र की दूरी बढ़ने लगती है तो उन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी घटने लगता है, और दिल्ली से दौलताबाद या वारंगल की दूरी बहुत ज्यादा थी और इसी ज्यादा होने के कारण समस्या पैदा होती, जो समस्या एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पैदा भी हुई। उसने एक नई योजना के माध्यम से नियंत्रण करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा देखिए, राजस्व वसूली में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो भी मध्यस्थ थे उनको खत्म कर दिया, यही तो हुआ था। यहां तक कि मध्यस्थों की जो जमीन थी उस पर भी उसने टैक्स लिए। इन्होंने क्या किया, राजस्व वसूली में मध्यस्थ पुनः आ गए और इनको हुकूक एक खुती, एक खुती के नियम के कारण किया, क्या किया, इन मध्यस्थों की भूमि राजस्व मुक्त कर दी गई, यानी बिना किसी सरकारी व्यक्ति के राजस्व की मात्रा सरकारी खजाने में अब पहुंचती, विद्रोह करने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि अधिकतर मध्यस्थ जो होते थे यही छोटे छोटे विद्रोहों का नेतृत्व करते थे। यहां पर अब वो संतुष्ट है तो फिर विद्रोह नहीं हो सकती थी। ठीक है, इसने एक नई राजधानी ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, दिल्ली में है ये क्षेत्र, इसका निर्माण करवाया।
ये पूछा भी जाता है तुगलकाबाद का निर्माण कराया था उसने। जो वारंगल जीता गया इसे इन्होंने एक नया नाम दिया था सुल्तानपुर। यूपी वाला नहीं है भाई ये, सुल्तानपुर। ठीक है, अब देखिए यहां पर अंतिम दिन भी अब देखते हैं कि क्या है। अमीर खुसरो की अंतिम रचना तुगलकनामा, उनमें इन्हीं का इतिहास है और उसमें भी फोकस किया गया है अपने गुरु और इनके संबंधों के बीच में। देखिए 1325 में इन्होंने बंगाल विजय किया, बंगाल विजय किया, वापस हुए, वापसी में ही अफगानपुर, दिल्ली से कुछ पहले अफगानपुर के पास प्रदर्शनी देखने के लिए, उसमें जिस महल में बैठे थे महल गिरा और उनकी डेथ हो गई। अब इसके पीछे देखिए रीजन क्या है। दिल्ली में एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, औलिया। ठीक, जब खुसरो साहब शासक बना था तो उसने अपने शासन की वैधानिक स्वीकृति के लिए दिल्ली के आसपास जो भी संत महात्मा महत्वपूर्ण लोग थे उन सबको उसने दान दिया था, यानी पूंजी दी थी काफी। ठीक है, तो जब दान दिया है तो किसी शासक के द्वारा दिया गया दान क्या वापस लेना चाहिए? तो भाई आपके पापा ने अगर किसी को कुछ दे दिया है और पापा जी टपक गए तो क्या आपकी स्थिति होती है कि आप उससे वो चीज ले सकें? आपको क्या मांगना चाहिए? यहां पर हुआ क्या कि ये जो पैसे दिए गए थे गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से उसे वापस करने का नोटिस भेजा। तो प्रारंभ में तो उन्होंने सीधे कहलवा दिया कि देखो वो सब जो पैसा मिला था वो सारा पैसा गरीबों में मैंने बांट दिया है और अब हम गरीबों से पुनः वो पैसा वापस नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत उस समय अच्छे संतों में थे, बड़ी लोकप्रियता थी, यहां तक कि जौना खां भी इनका शिष्य था। तो ये सब बात आ गई और जब बंगाल गए ये तो फिर कुछ बात आई और ये फिर निजामुद्दीन औलिया से बहुत नाराज हो गए। तब इन्होंने बंगाल से ही एक सूचना भिजवाई इनके पास कि मेरे दिल्ली लौटने तक वो पैसा वापस हो जाना चाहिए, अन्यथा तुम समझो क्या होगा। ठीक, और जब इन्होंने ऐसा लेटर भिजवाया तब निजामुद्दीन औलिया ने इनसे एक शब्द कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, अर्थात पहले दिल्ली आओ। तो जब दिल्ली पहुंचोगे तब चाहिए ना, दिल्ली पहले पहुंचो तो, जब दिल्ली पहुंच जाना तब देखा जाएगा क्या होता है। कहते हैं इनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही निजामुद्दीन औलिया चल बसे और ये दिल्ली पहुंचने से पहले ही अफगानेपुर में ऊपर चले गए। अब यहां एक समस्या आती है, समस्या ये थी कि कहीं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु षड्यंत्र तो नहीं है, एक प्रश्न यह है, षड्यंत्र तो नहीं है। बाद के जितने भी इतिहास लेखक हुए अबुल फजल बदायूनी अफीफ ये सभी इसे एक षड्यंत्र मानते हैं और ये कहते हैं कि मुहम्मद बिन तुगलक ने ही षड्यंत्र करके
अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, ये कहा गया। अब जो भी रहा हो, लेकिन ये कहते हैं कि प्रदर्शनी लगी, एक लकड़ी का महल बनवाया गया था। समस्या जो आती है बर्नी, जबकि जो कि समकालीन है, बर्नी ये कहता है नहीं नहीं एमबीटी ने नहीं करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने हत्या नहीं करवाई थी, बिजली गिरने से हुई। प्रश्न यहीं पर समस्या है। मृत्यु फरवरी में हुआ, फरवरी में दिल्ली के आसपास ठंडी वाला मौसम होता है और ठंडे के मौसम में शायद बिजली नहीं गिरती, सामान्यतः बिजली बरसात के ही मौसम में गिरती है, जब बादलों के बीच टकराहट होती है तो उसी से उत्पन्न बिजली गिरती है और उसी से कहीं पे भी आग वाग लग जाती है, दुर्घटना होती है। फरवरी में बिजली गिरा दे रहे हैं बर्नी, संदेह वहीं से पैदा हो गया। दूसरी चीज, एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने उस लकड़ी के महल को बनाने वाले जिस व्यक्ति ने, वास्तुकार जो था जिसने उसका निर्माण किया था, इनकी मृत्यु के बाद उसे पुरस्कृत कर दिया महत्वपूर्ण पद देकर के। प्रश्न यही उठ गया, जो भी रहा हो भाई, क्या था पता नहीं, ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु एक षड्यंत्र का परिणाम थी। संभव है बेटे ने एक षड्यंत्र करके पिता की हत्या की, क्योंकि बेटे को भी राजगद्दी जल्दी चाहिए थी, वो अपने आप को योग्य मानता था, उस लायक मानता था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। वास्तविक नाम इनका हम लोग अभी बात कर चुके हैं, जूना खां या जौना खां, दोनों नाम मिलता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके विषय में जो भी सोर्स है वो दो मिलती है, वो या तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीखे फिरोजशाही या इब्न बतूता की रेहला, ये दोनों इन्हीं के शासनकाल पर बेस्ड हैं और उन्होंने ही जो भी चीज कहा है वो इसमें कहा है। ठीक है, देखिए इसके कारण 1342 में जियाउद्दीन बर्नी को प्लस इब्न बतूता को चीन यात्रा पर भेजा, ठीक, गद्दी पर बैठते ही बहाउद्दीन गुरसास ने विद्रोह किया, इसने भी इनके विद्रोह को दबाया और जो विद्रोह दबाया इसने वो एकदम उसी ढंग पे था जिस ढंग पे बलबन ने तुगरिल खां के विद्रोह को दबाया था। याद होगा आपको, बलबन ने थोड़ी सी ज्यादा क्रूरता की थी, इसने थोड़ी सी कम क्रूरता की, लेकिन इसने भी बिरयानी बनवाई और उसके परिवार को खिलाया। परिवार कौन? खुद यमबेटी की बहन का बेटा था। ठीक है, देखिए इनके समय में काम भी बहुत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकी योजनाओं पर। ठीक, पहले योजना राजधानी परिवर्तन, पहली योजना राजधानी परिवर्तन। इन्होंने राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद लेके गए, दौलताबाद से तात्पर्य देवगिरी, ठीक है, दौलताबाद लेके गए। अब इतिहासकारों में मतभेद है कि संपूर्ण दिल्ली को लेके गए थे या
कुछ ही लोगों को लेके गए थे। लेकिन दिल्ली के विषय में ये सभी एकमत हैं कि दिल्ली कभी भी वीरान नहीं हुई। अगर दिल्ली के सभी नागरिकों को दौलताबाद जाने की कहा गया होगा और उसे पूर्णतः लागू किया गया तो स्वाभाविक है दिल्ली चाहे कुछ ही दिन के लिए लेकिन वीरान जरूर हुई होगी। लेकिन ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलता है कि दिल्ली वीरान हुई, यानी दिल्ली से सभी लोगों को जाने की आज्ञा नहीं गई। यानी दौलताबाद इसकी सेकंड राजधानी बनने की बात है। लोगों के जाने के लिए भी इसने मार्ग बनवाए, मार्ग पर हर डेढ़ मील पर इसने सराय बनवाई, लोगों के रहने खाने की फ्री व्यवस्था करवाया, ठीक है, ये चीजें थी इसकी। और लोगों का बड़ा ख्याल भी रखा कि दौलताबाद तक चले जाएं। पहला कि दौलताबाद दूसरी राजधानी हो सकती थी, दूसरा कि दक्षिण में दौलताबाद राजधानी बनने से दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हो सकता था, क्योंकि दक्षिण में भी कुछ मुस्लिम पहुंच जाते, हैदराबाद तो वही है आज, देखिए कितने ज्यादा हैं, तो मुस्लिम संस्कृति में का विकास हो जाए। अगर ये दिल्ली से दौलताबाद राजधानी न बनाया जाता तो आज ओवैसी न पैदा हुए होते, ओवैसी जो हो उसी समय वाली देन है। दौलताबाद में जब राजधानी बनाया तो काफी मुस्लिम पहुंचे, भाई गौस वो सब वही समय पहुंचे वहां पे और जाकर के बस गए। बाद में जब बात वापस होने की गई, नहीं जिनकी इच्छा ना हो वो वापस आ जाए, जो पुरानी संपत्ति वो मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा जाए जाए इतनी दूर का करने जाए, दक्षिण में हो सकता है ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो, उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया हो साल भर में, तो व्यक्ति फिर क्यों इतनी दूर 1,000-1,500 किलोमीटर भाग करके आएगा। तो वो वहीं पर स्थापित हो गए, तो एक मुस्लिम राजधानी के रूप में भी आ गई, ठीक है। तो ये चीज, ये प्रश्न अक्सर कर पूछा जाता है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन लेके गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब देखिए, चीन में कुबलई खां है और ईरान में एक गाई खातू, दो लोग, चीन में कुबलई खां और ईरान में गाई खातू, ये दो व्यक्ति। कुबलई खान ने भी एमबीटी से पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चीन में किया, ईरान में गाई खातू ने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, और दोनों जगह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आंशिक रूप में सफल भी रहा। तो अगर वहां सफल हो सकता था तो फिर यहां क्यों नहीं, पहली बात। दूसरा, इसको लागू करने की जरूरत, जिस टाइम पर यह लागू किया गया उस समय जो शोध हैं वो ये कहते हैं कि उस समय संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए इसने मजबूरी में लागू किया। स्वाभाविक है भाई, आज भी तो हम लोग सांकेतिक मुद्रा ही चला यूज कर रहे हैं, कौन सा हम लोग चांदी और सोने का सिक्का यूज कर रहे हैं, हम सभी लोग वास्तविक मुद्रा तो यूज नहीं कर रहे हैं, सभी सांकेतिक मुद्रा यूज कर रहे हैं। और अगर 700-800 साल पहले सांकेतिक मुद्रा चल गई होती भारत में तो शायद कुछ और बात होती, अंग्रेज और ज्यादा लूट लेते हमको, जो भी रहा हो, अंग्रेज भाई बाद में आया तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उन्होंने किया, ठीक है। तो इसने ये चीजें की, लेकिन हुआ क्या कि जो नकली मुद्रा का व्यवसाय था उस पर यह नियंत्रण नहीं लगा पाया, और इसी की वजह से प्रत्येक घर, बर्नी तो कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल हो गया था, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता, मैं जानता हूं कि अगर हिंदू भ्रष्ट थे तो मुस्लिम भी भ्रष्ट हुए होंगे, यह पक्का है, क्योंकि बर्नी के जो भी लेख हैं वो सांप्रदायिकता से प्रभावित हैं। अगर डुप्लीकेट नोट बनाने का काम हिंदू करते थे तो मुसलमानों ने भी उसे खूब किया होगा, ये तो सुल्तान की उदारता थी, जब देखा एमबीटी ने कि ये केवल मार्केट में नई नोट आ रही है, लोग पुराने वाले सिक्के ले रहे थे
और जब देने की बारी आती थी तो नए वाले सिक्के दे देते थे। यानी सोने का जो वास्तविक मुद्रा है वो तुम हमको दो, लेकिन हम तुम्हें कांसे वाला मुद्रा देंगे जिसका मूल्य सोने के सिक्के के बराबर रखा गया है। ये बात होती थी। तो जब इसने देखा कि ये सब चीजें अच्छे नहीं चल रही हैं, लोगों का घर टकसाल हो जा रहा है, तो सुरलता ने इस अपनी योजना को वापस ले लिया और कहते हैं जो भी सिक्के थे जो सरकारी टकसाल के द्वारा ढाले गए थे उन सभी सिक्कों के बदले में चांदी की थी तो चांदी, सोने की थी तो सोने की मुद्राएं वापस कर दी गई। अब समस्या यह कि फेल क्यों हुई, तो इसके पीछे भी रीजन ये आता है कि सुल्तान सल्तनत काल का सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान था। ये सल्तनत कालीन सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। तो अगर सबसे ज्यादा शिक्षित है तो योजनाएं भी तो उसी के अकॉर्डिंग बनेंगी। तो अगर योजनाएं भी इसकी शिक्षा के अकॉर्डिंग बन रही हैं तो उसकी योजनाएं दूसरों को तो समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। जब तक दूसरों की इसकी योजनाएं समझ में आती थी तब तक होता क्या था, हाथ से निकल गई योजनाएं, या इसने योजना को ही वापस ले लिया। धैर्य की थोड़ी सी कमी रही होगी और सिर्फ योजनाओं की असफलता के आधार पर हम किसी शासक के योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। परिस्थितियां और सहयोगी भी काफी जिम्मेदार होते हैं किसी योजना की सफलता और असफलता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। खुराशान अभियान, देखिए अरब जगत को जीतने की बात हो रही है। ठीक है, संपूर्ण अरब को जीतने की बात हो रही है। यहां पर इसने क्या किया, तरमासरीन और मिस्र के सुल्तान, इन दोनों के साथ एक संधि की और यह गुट बना त्रिमैत्री, त्रिमैत्री संगठन या गुट। इसका काम यह था कि अरब को जीत लेना या कुबलई खां, सॉरी कुबलई खां नहीं, मंगोलों पर विजय प्राप्त करना। जो भी अरब में मंगोल फैले हुए थे अलग अलग साम्राज्य, तो उस पर विजय प्राप्त लेना। और इस अभियान के लिए इसने 370,000 सैनिक भी भर्ती कर लिए जल्दी जल्दी में, और इन सैनिकों को एक वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया। भारत संभल नहीं रहा है, इतना बड़ा भारत है वो पूर्णतः तुम विजय नहीं कर पाए हो, और अरब जगत ऊसर बांगर क्षेत्र तुम विजय करने प्लान करने लगे, क्या सोच रहे थे, कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा हो गई थी। समस्या यही थी। और फिर तुम सेना भर्ती कर रहे हो, सेना तैयार कर रहे हो, एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दे रहे हो, अभी योजना क्रियान्वित तो हुई ही नहीं है। अब जिन सैनिकों को तुमने भर्ती करके एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, अब जब इन्हें तुम भंग करोगे तो शिक्षा मित्रों की तरफ भड़केंगे कि नहीं भड़केंगे। किसी को भी आप नियुक्त कर लो कुछ समय के लिए तो आप उसको आगे भी तो कंटिन्यू कर सको। ये हुआ है कि जब तुमको जरूरत पड़ी तब तुम नियुक्त कर लियो, जब जरूरत ना हो तब उनको हटा दो। यहां पर वही किया गया। देखो इसमें क्या हुआ, बल्कि अंत में यहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया और यह योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। ठीक है, यह योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। अब इन सैनिकों का क्या करें,
तो इन सैनिकों को कुछ ना कुछ तो किया जाएगा कि कम हो। तो तुरंत योजना एक बना ली गई कराचिल विजय की। कराचिल से तात्पर्य जो आज माना जा रहा है वो है कांगड़ा हिमाचल में, एक पहाड़ी क्षेत्र कांगड़ा। तो इसने 1,00,000 की सेना भेजी कांगड़ा विजय हेतु। कहते हैं वहां गए थे लेकिन कांगड़ा ने अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया। कहते हैं ऊपर से वो लोग धनुष बाण इत्यादि डाल छोड़ना, मारना, उससे पत्थरों को डिंगला देना, ये सारी चीज, मौसम का प्रतिकूल हो जाना और उसकी वजह से इनकी सेना में प्लेग फैलने से। कहते हैं वापस मात्र 10,000 सैनिक ही आए और मिला कुछ नहीं, नीचे के कुछ क्षेत्र जीत पाए थे बस, और सभी सैनिक मारे गए। चलो 3,70,000 में से 90,000 सैनिक स्वाहा हो गए थे, एक खुशी ये थी। कुछ एक दो युद्ध अभियान और ऐसे कर दें बस 3,70,000 खत्म, न वेतन का झंझट, न कुछ, नहीं भर्ती नहीं करेंगे और क्या भाई, कब तक रहोगे तुम, जिंदगी जाने के बाद थोड़े रहोगे। तो एक ये चीजें आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। दोआब का क्षेत्र क्या होता है, मान लो ये दो नदियां हैं, तो दो नदियों का जो ये बीच का क्षेत्र है इसी को हम दोआब कहते हैं। यानी यह क्षेत्र नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाए जाने वाले गाद की वजह से उत्पादक होगा, यानी उत्पादकता यहां सर्वाधिक होगी। इस पे किसी ने बता दिया, पढ़ा लिखा था तो जान तो इतना जाएगा ही कि दो नदियों के बीच का है, दुआब का क्षेत्र है, तो यहां स्थिति अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। अगर उत्पादन अच्छा होगा तो यहां राजस्व की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। भाई अपने अधिकारियों से कहा, अधिकारी जानते ही नहीं थे दुआब वुआब का होता है, तो जो वही नहीं जानते दुआब वुआब क्या होता है तो अधिकारियों से कहे गए ये घोड़ा है इसको तुम गधा कहो, तो क्या कहेंगे, घोड़े को गधा कहेंगे। जिसको गधा खच्चर और घोड़े में अंतर ना हो वो गधे को भी घोड़े कहेगा, खच्चर को भी घोड़े कहेगा, और जो घोड़ा ना जानता हो गधा ही जानता हो तो घोड़े को भी गधे ही कहेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब ये ज्यादा उत्पादक है तो यहां कर में वृद्धि कर दी। लेकिन समस्या क्या हुई, जिस टाइम पर ये की गई वो टाइम ही खराब था। कारण क्या था, इसी समय इस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बरसात नहीं हुआ भाई, नदियों में बाढ़ का पानी नहीं आया, नदियों में बाढ़ का पानी नहीं आया तो नदियां सूखी रहेंगी, उसमें पानी नहीं होगा, और नदियां अगर सूखी रहती हैं तो ये क्षेत्र सूखा प्रभावित होगा, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। ये बात एमबीटी को कोई सी अधिकारी को तो बताना चाहिए था, दोआब में जो भी थे इनके अधिकारी उन्हें तो ये बताना चाहिए था। कहते अकाल प्रभावित था और उसी अकाल की स्थिति में टैक्स वृद्धि ये तो खतरे ही था। कहते यहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया गया, और जब विद्रोह किया तो इस विद्रोह को निशंसता पूर्वक दबाया भी इसने। कहते जब विद्रोह दब गया या आधा विद्रोह दब चुका था, कुछ ही लोग अब शांत थे, तब इसे ये जानकारी मिली कि यहां तो टैक्स वृद्धि इस टाइम पर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यहां उत्पादन बढ़ा ही नहीं बल्कि यहां तो सहायता करनी चाहिए। तो जब इसे इस बात की जानकारी हुई तो इसने क्या किया, जो भी वृद्धि थी वो वापस ले ली, पहली चीज। दूसरा, कर में कमी भी कर दी जब तक अकाल की स्थिति है तब तक। तीसरा,
एक यहां पर तकावी ऋण दिया, ऋण दिया, नाम था इसको सोंधर, सोंधर ऋण तकावी है। ये पूछा गया है सोंधर ऋण किसने दिया था, तकावी ऋण होता क्या है, ये कृषि से संबंधित हैं, ये एमबीटी ने दिया, ये क्यों कृषकों को बैल खाद बीज इत्यादि खरीदने के लिए, ताकि वो खेती पुनः प्रारंभ कर सकें, क्योंकि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप खेत जला दिए गए, घर जला दिए, बैल बैल उठा ले गए, काफी बैल अकाल में ही मर गए, ये सारी चीजें आई थी। तो इन सबसे छुटकारे के लिए उसने सोंधर ऋण या तकाविधि भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कृषि संबंधी सुधार, सुधार, ठीक है। अब देखिए, अब समस्या है कृषि में उत्पादन बढ़ाया जाए तो कुछ तो होना चाहिए। जैसे आज की सरकार करती क्या है, बहुत से कृषि विश्वविद्यालय बना रखे हैं, हर जिले में लगभग कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखा है, वहां पर नए नए नित नित शोध होते हैं। तो अगर आज सरकार ये कर सकती तो एमबीटी जैसा विद्वान शासक क्या उस समय नहीं कर सकता था। इसने क्या किया, ये सुधार के लिए उसने एक भूमि का टुकड़ा लिया, यहां पर कुछ लोगों की नियुक्ति की, एक नए पद का सृजन किया, दीवाने अमीर को ही, ठीक। और इसका काम क्या था, इन क्षेत्रों में कृषकों के ही माध्यम से कृषि की नई तकनीक का प्रयोग करना। देखिए, इस संपूर्ण क्षेत्र में दीवाने अमीर को ही एक अधिकारी है, एमबीटी के द्वारा नियुक्त किया गया है, उसका काम है इस संपूर्ण क्षेत्र में जो कृषक पहले खेती करते थे उन्हीं के माध्यम से ही, कहते ना आज कुछ आधुनिक कृषक हैं, नई नई खेती की तकनीक का प्रयोग करते रहते हैं, प्रगतिशील किसान, सरकार उन्हें प्रगतिशील किसान कहती है, और हैं भी ऐसे, अभी भी हैं प्रगतिशील हैं, बहुत से हैं, उत्पादन सबसे ज्यादा उन्हीं का होता है। ठीक है, इन किसानों के माध्यम से नई तकनीक का खोज किया जाए और फिर उन तकनीकों को हम दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग करें। कहते हैं इसमें काफी बजट भी दिया उसने, लेकिन प्रयोग कब हो सकते थे, जब इन किसानों को कुछ तो परिवर्तन की बात हो, किसानों को यह तो लगे कि अगर हम खेती नई तकनीक करते हैं और उत्पादन बैठ गया तो सरकार टैक्स नहीं लेगी। बात यहां जो बजट दिया गया था ये इसीलिए दिया गया था, इन किसानों से तुम नए नए प्रयोग कराओ, उनको घाटा नहीं लगना चाहिए किसानों को, यदि किसानों को घाटा लगेगा तो वो कभी भी नई तकनीकों का प्रयोग नहीं चाहेंगे। लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं किया इसने बिल्कुल, ये भ्रष्ट निकल गए और जो भी बजट आया वो खा गए, और परिणाम क्या हुआ, यह योजना भी असफल हो गई। 5-6 साल बाद दिया इस पे बजट इत्यादि दिया, देखा इसमें 5-6 साल में कोई रिजल्ट ही नहीं आया, और जब इसने ये देखा कि 5-6 साल में कोई रिजल्ट नहीं है, तब इसने क्या किया, इस योजना को भी बंद कर दिया। तो इसकी ये योजनाएं थी जिनके खिलाफ, उसकी गलती तो नहीं थी, वो योजनाएं बनाने में तो बड़ा उस्ताद था, लेकिन उनका क्रियान्वयन और उनकी सफलता उसके अधिकारियों पर निर्भर करती थी जो इस लायक नहीं थे कि वो किसी भी योजना को सफल बना सकते। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग।
इसने संतों से भी काफी मेल जोल रखा। एक जैन संत हैं जिन प्रभु सूरी जिनसे ये लगातार वार्तालाप करता था। हरि विजय सूरी और हेमचंद्र सूरी दो और आएंगे, हरि विजय सूरी और हेमचंद्र सूरी, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों अकबर के नजदीक थे, ठीक है। जिन प्रभु सूरी यमबीटी के नजदीक है। दूसरा, इसने एक 200 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया जिसे इब्न बतूता दिनार कहते हैं। इससे पूर्व में दिनार नाम नहीं मिलता है किसी सिक्के के लिए, ये पहली बार दिनार मिलता है जिसे इब्न बतूता के अनुसार यमबीटी ने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, ठीक है। 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया जिसे अद्धा कहा गया या अधली, अद्धा या अधली नाम दिया गया, ठीक, अधली कर लो अधली, ठीक है। ये चीजें आई। दूसरी, अब देखिए विद्रोह क्या हुए। 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत अब हाथ से निकल रहा है दिल्ली सल्तनत के। 1336 में सुदूर दक्षिण में एक संत थे शायर, इनके प्रभाव में आकर के दो संगमवंश के दो बंदे हरिहर और बुक्का, नहीं, विजयनगर साम्राज्य की न्यू दिल्ली ठीक है। तो एक तो विजयनगर होगा, दूसरा 1347 में तेलंगाना वाला क्षेत्र, देवगिरी तेलंगाना वाला, बहराम साहब साने बहमनी साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है। ये चीजें थी। अब देखिए और एक पॉइंट और है इनमें। दिल्ली में प्लेग फैला तो अब सुल्तान क्या करे, या तो प्लेग में रहे या प्लेग से भाग जाए छोड़ करके। तो इसने दिल्ली से कुछ दूर कन्नौज के आसपास पर आकर के एक स्थान था नदी के किनारे स्वर्गद्वारी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, दिल्ली में प्लेग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहां बसाई थी, ठीक। तो जब दिल्ली में प्लेग फैला तो यमबीटी ने कन्नौज के पास स्वर्ग द्वारी में नई राजधानी बसाई। ठीक है, ये चीज किया। तो ये प्रश्न पूछता है अक्सर कर, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। अंत में अंतिम अभियान, हाँ, इसके विषय में ये रखिएगा कि यमबीटी अपने जीवन में कोई भी युद्ध जिसका नेतृत्व उसने नहीं किया वो हारा नहीं, अगर इसने नेतृत्व किया तो पराजित नहीं हुआ, प्रत्येक युद्ध में इसे विजय मिली, यदि यह नेतृत्व करता है तो सफलता इसे मिली। लेकिन सबसे ज्यादा विद्रोह इसी के समय हुए। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक विद्रोह
यमबीटी के शासनकाल में होते हैं और उसका परिणाम यमबीटी को मिलता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक की तरफ। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 यमबीटी का कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए उसका चचेरा भाई चचेरा नहीं भाई बेटा ही है, ये भतीजा है, रज्जब का बेटा है, सॉरी चचेरा भाई है। यमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रज्जब का पुत्र था, यानी चचेरा भाई है, चाचा का बेटा है। ठीक है, अब समस्या ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने संपूर्ण शासनकाल में इस्लाम के धार्मिक नियमों को मान्यता नहीं दी। अब उसके शासन को भी हम लोग देखते हैं तो एक उत्तरार्ध है एक पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध में उसने एकदम से तवज्जो नहीं दी, एकदम से इस्लामिक नियमों या कटमुल्लाओं को दूर ही रखा, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे देखता है कि असफलता हाथ लग रही है, हर योजनाएं विफल हो रही है, तब वह धर्म की शरण में जाता है। लेकिन जब धर्म की शरण में दे गया तो साम्राज्य का विखंडन शुरू हो जाता है, क्योंकि सब संतुष्ट नहीं कर सकता, खलीफा के नाम और सब सिक्के पंकित कराया। तो अब जब नया शासक बनता है तो फिरोज ने सबसे पहले उन लोगों को संतुष्ट करने की सोची जो लोग यमबीटी के विरोधी थे, इसलिए थट्टा में टित हुई और थट्टा में ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया गया, वही घोषणा हो गई। दिल्ली में ख्वाजा जहां ने विद्रोह किया, किसी दूसरे बच्चे को बैठा करके स्वयं, और उस विद्रोह को दबा दिया गया और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हो गए। अब फिरोज शाह तुगलक ने संतुष्ट करने का काम किया, सभी को संतुष्ट कर दो किसी प्रकार से, कोई ऐसा न हो जो असंतुष्ट रह जाए। इसलिए इसने किसानों के कर माफ कर दिए, सैनिकों को पद जो है वो वंशानुगत कर दिए। अब उससे राज्य पर क्या फर्क पड़ता है, इससे मतलब नहीं है, बस खुश रहो तुम, हम बर्बाद हो जाएं सनम तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। तो इनकी बात वही है, सैनिकों के जो पद हैं उसे वंशानुगत कर दिया गया, अधिकारियों के पदों को वंशानुगत किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, दंड विधान एकदम ढीले कर दिए। मृत्युदंड तो नामात्र के लिए ही दिया जाता था, अगर इस्लाम को मानने वाला है तब तो मृत्युदंड उसे मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तब तो उसको दे ही नहीं दिया ही नहीं जा सकता था। तो दंड विधान भी बहुत कम कर दिया गया, मृत्युदंड नाम मात्र के लिए। तो ये सारी चीजें आई और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अब साम्राज्य पर भी पड़ेगा। अगर आप योग्य हैं तो आपके समय तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपके बच्चों के समय दिक्कत करेंगी। ठीक है, क्योंकि सैनिकों के पद वंशानुगत होने से सेना कमजोर हो जाएगी, सबसे बड़ी कमी यही हो चुकी। अलग से दास विभाग का गठन कर दिया। अब पहले हम लोग इनकी बात करें किसानों सॉरी विभागों पर, ठीक है, और इनके लोक कल्याणकारी कार्यों पर। ठीक, देखिए लोक कल्याणकारी कार्य सबसे ज्यादा जरूरी, इन पे जो फोकस होता है, जो प्रश्न भी आता है वो यहीं से आता है, फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों से। ठीक, अफीफ के अनुसार
किसने चार बड़ी नहरों का निर्माण, सॉरी चार नहीं पांच का निर्माण करवाया। सबसे पहले नहर का निर्माण कराने वाला गियासुद्दीन तुगलक, पांच बड़ी नहरों का निर्माण कराने वाला फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, पांच बड़ी नहरों का, उसके बाद लिंक नहरें भी निकलवाई। और जब बड़ी नहरों का निर्माण करा रहे हैं तो इन नहरों से क्या होगा, सिंचाई है। और अगर नहरों से सिंचाई होती है तो क्या किसान को सिंचाई के लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ेगा? नहीं। अगर टाइम टाइम टू टाइम सिंचाई खेत को मिल जाए तो क्या किसान के खेत की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है? स्वाभाविक है, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो अगर उत्पादन बढ़ सकती है तो क्या उसका टैक्स बढ़ा दें? नहीं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, किसानों के ऊपर जो अतिरिक्त कर था, जैसे शरीयत के अनुसार टैक्स लेंगे कर, और शरीयत में केवल चार कर कहे गए हैं, उष्ण, खराज, जजिया और जकात, ये चार। ये मुस्लिमों से ली जाने वाली भू राजस्व, ये हिंदुओं से ली जाने वाले भू राजस्व, ये जजिया धार्मिक कर हिंदुओं से, ये जकात मुस्लिमों से। ठीक, ये चार कर। जब खुम्स की बात आती है तो टैक्स नहीं है, वो युद्ध में लूटा गया धन है। ठीक है, तो ये चार कर जो शरीयत के अकॉर्डिंग लिए जाने चाहिए, उसने वो चार कर कहे कि इनके अतिरिक्त जितने भी कर लगते थे वो सारे कर समाप्त कर दिए फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यानी धार्मिक शासन की स्थापना होती है, लोक कल्याण का धार्मिक निरंकुश शासन। ठीक है, अब देखिए, पांच बड़ी नहर का निर्माण कराया, इनसे सिंचाई के साधन विकसित होंगे, सिंचाई के साधन विकसित होने तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी किसानों की। तो अगर किसानों के ऊपर अलग से कोई टैक्स लगा दिया तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसने एक सिंचाई कर भी लगाया, क्योंकि सिंचाई के साधन राज्य विकसित कर रहा है तो वो टैक्स लेने का अधिकारी भी राज्य ही होगा, उस टैक्स को सिंचाई कर कह सकते हैं, या इसी हक ए शर्ब भी नाम दिया गया। ठीक है, और यह उत्पादन का 1/10 वसूला गया, यानी इकलौता सिंचाई कर वसूल करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, देखिए दूसरा, दूसरी बात आती है जजिया, पूर्व में भी लिया जाता था लेकिन इस जजिया के दायरे से कुछ लोग मुक्त थे, जैसे ब्राह्मण, महिलाएं, अपंग इत्यादि लोग, बच्चे, बूढ़े, ये लोग मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक ने इन ब्राह्मणों पर भी जजिया आरोपित किया, यानी ब्राह्मणों से भी जजिया लेने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। अब तक किसी शासक ने ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया था, फिरोज शाह तुगलक ने उसे ब्राह्मणों तक भी बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इनके और लोक कल्याणकारी कार्य देख लें, जैसे इनके कई विभाग आए, तो विभाग की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ विभाग हम बता दें, उसके बाद जो भी विभाग आ जाएं वो सारे विभाग फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। जैसे दीवान अर्ज, अर्ज
दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए रियासत। ठीक। और दीवान ए अमीर को ही। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन के द्वारा, इन दोनों की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसकी स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। इन चार विभाग याद रखिएगा, इनके अतिरिक्त जो भी विभाग मिले सब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए। अलग अलग विभाग, एक से एक विभाग। अब चलो इस पे भी देख ले कुछ, कौन कौन से विभाग रहे होंगे। ठीक है, मिटा ले इसे। ओके, मिनट। चलिए देखिए, अब इनका पहला विभाग दीवान ए खैरात। ठीक। दूसरा रोजगार ए दफ्तर। तीसरा दीवान ए बंदगान। ठीक। चौथा दारुल शफा। ठीक है, दीवाने खैरात, खैरात जानती हैं, खैराती हॉस्पिटल, अलग अलग चीजें होता है। ठीक है, इसमें क्या होता था, मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए। कल्याण के लिए इसका स्थापना की गई। ठीक है, ताकि ऐसे मुस्लिम लोग जिनकी स्थिति बड़ी खराब हो आर्थिक रूप से, उन्हें आर्थिक मदद मुहैया करा करके उनकी जीविका को अच्छे से चलाया जा सके। रोजगार ए दफ्तर, मुस्लिम बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग था। दारुल सफा, सरकारी चिकित्सालय था। ठीक, तो ये चार विभाग आए। इसके अलावा इसने लोक निर्माण विभाग बनाया, की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत कई शहर बसाए इसने। कहते हैं सबसे ज्यादा शहर, सबसे ज्यादा बाग, सबसे ज्यादा नहर, सबसे ज्यादा शराए, सबसे ज्यादा मकबरे, ये सब चीज बसाने वाला यही था। ठीक है, देखिए इनके कारण, सॉरी इसको मिटा दें। हाँ, इनके दीवाने बंदगान में 180,000 दास थे, और उन दासों को इसने कारखाने में नियोजित कर रखा था। बाद में चल के यही दास षड्यंत्रकारी हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी तो सबको आप कार्य तो मुहैया नहीं करा सकते कारखानों में। तो जब सबका कार्य आप मुहैया नहीं करा सकते तो जो खाली रहेगा वो क्या करेगा, राज परिवार के निकट रहेगा, क्योंकि आप राजधानी में उनको सबको रखे हुए हैं। तो जो राज परिवार के निकट रहेगा वो चाटुकार का करना तो सीख ही जाएगा, क्योंकि राज परिवार का तो चाटुकारिता ही किया जाता है। तो अगर वो चाटुकारिता करना सीख जाता है तो चाटुकारिता और आपको चढ़ाने का काम वो अच्छा करेगा, आप उसको हमेशा अपना शुभ चिंतक मानेंगे। बाद में इसी दास विभाग, दासों ने इनके परिवार में आपसी फुट, अलग अलग गुटबाजी बनाया, और वही सब चीजें काफी गड़बड़ भी हुई। ठीक है, तो आइए इसमें और देखते हैं हम लोग। अशोक के दो स्तंभ। मेरठ के पास टोपरा,
से दिल्ली लेकर के आएंगे। ठीक, पहला। दूसरा, कुछ नगर बसाए जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजशाह, हिसार इत्यादि, बहुत है नगर। अफीफ तो यहां तक कहता है कि इसने लगभग 200 नगरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा। खाने जहां तेलंगानी, खाने जहां तेलंगानी को इन्होंने अपना वजीर बनाया। ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे, इनके समय वजीर बने और इन्होंने संपूर्ण राज्य की आय की गणना की थी और वो 6,32,00,000 रुपए है। यानी आय का निर्धारण करने वाला पहला शासक फिरोजशाह तुगलक, यानी आय के अनुसार अब खर्चे डिसाइड होंगे। तो पहली बार इन्होंने आय का निर्धारण किया। ठीक है, अब देखिए इनके समय और भी कुछ काम हुए हैं, जैसे संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, कुतुब मीनार, क्या हुआ था कुतुब मीनार में कि इन्हीं के समय कुतुब मीनार जब तुतमिश ने कंप्लीट कराया तो 4 मंजिला थी, केवल 4। हुआ क्या, फिरोजशाह तुगलक के समय उस कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई, तो बिजली गिर गई तो सबसे ऊपर वाली जो मंजिल थी वो टूटकर गिर गई, यानी 3 ही मंजिल अब बची, तो यानी खंडहर हो जाती अगर नहीं किया जाता। तो फिरोजशाह तुगलक ने क्या किया, सबसे ऊपर वाली 1 मंजिल जो टूटकर गिरी थी उसके स्थान पर 2 मंजिल छोटी छोटी, यानी हाइट उनकी कम कर दी, 2 मंजिल और बनवा दिया, यानी वो एक पुनर्निर्माण था। ठीक है, नया ढांचा दे दिया। तभी से कुतुब मीनार की ऊंचाई भी कुछ बढ़ गई और उसमें 4 के स्थान पर 5 मंजिली इमारत हो गई। ठीक, तो कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल बनवाई। ठीक है, और इसमें बहुत सी चीजें हैं भाई। दूसरा, इसने जजिया को खराज से अलग कर दिया, दोनों अलग अलग टैक्स वसूल किया जाने लगे। अब तक क्या होता, दोनों एक साथ ही ले लिया जाता था, इसने वो चीजें अलग कर दी। ठीक, खुम्श, युद्ध का लूट होता था, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया था, जो एमबीटी ने भी किया। उल्टा क्या किया जाता, शरीयत के अनुसार 4/5 हिस्सा किसका होना चाहिए, सैनिक का, और 1/5 हिस्सा किसका होना चाहिए, सुल्तान का, ये शरीयत कहता है। अलाउद्दीन ने खिलजी ने क्या किया, 4/5 हिस्सा स्वयं रखा, 1/5 हिस्सा सैनिकों को दे दिया, ये होता था। फिरोज शाह ने पुनः ये चीज उल्टा कर दी, यानी 1/5 सुल्तान के लिए और 4/5 सैनिकों के लिए। भैया ज्यादा सैनिक अभियान करने ही नहीं है तो खुम्स पाओगे कहां से, सैनिक खुम्स तो तब मिलता है जब हम सैन्य अभियान करेंगे, तो जब ज्यादा सैन्य अभियान करेंगे नहीं तो खुम्स ज्यादा आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। सरहिंदी ने इसके बारे में जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने शेखर में सरहिंदी 4 नहर बनवाए थे, लेकिन सामान्यतः 5 नहरों का उल्लेख मिलता है उन्होंने। ठीक है, देखिए इसके विषय में ये कहा जाता है, दिल्ली में इसने लगभग 1200 बाग लगवाए फलों के। ठीक, अष्टभुजी मकबरों का निर्माण इसी समय से प्रारंभ होता है। खाने जहां तेलंगानी का पहला मकबरा ऐसा है जो अष्टभुजी है,
और उसका निर्माण यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, ये खुद सुन्नी था इसलिए इसने सिया संतों को दंड दिया, यहां तक कि मृत्युदंड भी दिया सिया संत सिया व्यवस्था को मानने के लिए। सेना में दाग और चेहरा प्रथा थी, इसे इसने समाप्त कर दिया। यहां तक कि यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए इसने अपने एक सैनिक को एक टंका इसलिए दिया था कि वो बक्सी को वो दे करके, वो टंका दे करके अपने घोड़े को पास करा ले। सोचिए, सुल्तान खुद दे रहा है, एक फोन कर देता तो चीजें सही हो जाती, लेकिन वो खुद दे रहा, नहीं जाओ एक टंका दे देना, घोड़ा तुम्हारा पास हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इसने महिलाओं के मजारों पर जाने पर रोक लगा दी, महिलाएं नहीं जा सकती। ठीक है, इसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था, क्योंकि पंडित जी ने यह कहा था कि दोनों धर्म एक समान हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी में कुछ अलग है, दोनों के नियम कायदे सब एक समान ही हैं। ठीक है, और अंततः इसकी मृत्यु होती है 1388 में। अब जब हम इनके बच्चों की बात करते हैं तो उसमें कई आए, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ नासिरुद्दीन महमूद से ही आता है, इसलिए हम लोग बात भी केवल नासिरुद्दीन महमूद की ही करेंगे। ठीक है, और ज्यादा आते भी नहीं है। नासिरुद्दीन महमूद, टाइम 1394 से 1414। इनके विषय में जो सबसे ज्यादा है वो इनके वजीर मल्लू इकबाल, एक बार शायद पूछा गया है इनके विषय में मल्लू इकबाल थे कौन। ठीक है, तो मल्लू इकबाल इनके वजीर हैं नासिरुद्दीन महमूद के, और कहते हैं जब तैमूर ने आक्रमण किया तो मल्लू इकबाल और नासिरुद्दीन महमूद शासक और वजीर दोनों लोग मिलकर के लड़ते हैं, और जब युद्ध में पराजय होती है तो नासिरुद्दीन महमूद तो बहुत दूर भाग गए, कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद गुजरात भाग गए थे, लेकिन मल्लू इकबाल बदायूं में ही रुके रहे। ठीक, मल्लू इकबाल बदायूं में रुके रहे। जब तैमूर वापस चला गया तब मल्लू इकबाल ने बहुत बार प्रयास किया कि सुल्तान वापस आ जाए, लेकिन सुल्तान ने कहा नहीं ठीक है, हम यही ठीक है, तुम वहां ठीक हो, अपना सब प्रशासन व्यवस्था हमारे नाम से देखते रहो, बड़ा अच्छी बात थी ऐसा सुल्तान मिल जाए। ठीक है, तो पहली चीज इनके समय ये। दूसरा इनके समय जो बहुत महत्वपूर्ण घटी वो थी 1398 में तैमूर का आक्रमण। ये प्रश्न पूछते हैं तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तो तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद थे। ठीक है, तो यहां यह प्रश्न पूछता है तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार किया, लगभग 2 महीने तक दिल्ली में रहा, दिल्ली से वापस जाते समय उसने खिज्र खां को भारत का सूबेदार नियुक्त किया था, चले गए थे, इसलिए खिज्र खां ने काफी समय तक सुल्तान बनने के पश्चात भी तैमूर के वंशजों का नाम अपनी खुतबा में ऐड किया था। ठीक है, तो तैमूर का आक्रमण इनके समय में कहते क्रूरता की तैमूर में विजयी हुआ तैमूर लंग के बाद। ठीक है, इसके बाद हम लोग सैयद वंश, केवल वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सैयद वंश को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। सैयद वंश, चौदह सौ चौदह से 1451, इस वंश के अंतर्गत संस्थापक पहले देख लेते हैं खिज्र खां।
खिज्र खान, ठीक है। संस्थापक खिज्र खान है। इस वंश के अंतर्गत चार शासक आते हैं और सीरियल बनाने के लिए क्वेश्चन जब भी पूछा गया तो उन शासकों का क्रम क्या है यही पूछा गया क्वेश्चन अभी तक का जो है, और सामान्यता आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे क्योंकि और कुछ इनके समय में था भी नहीं। जो क्षेत्र इनके अधीन था वही क्षेत्र इनके अधीन रहा। खिज्र खान चूंकि तैमूर के द्वारा यहाँ बनाया गया था और सूबेदार बनाया गया था, लेकिन तैमूर के बाद जब इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली का स्वतंत्र शासक हो गया, तब पर भी इसने तैमूर के वंशजों की अधीनता मानी। इसने अपने खुतबे में तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का ठीक सिपहसालार माना, स्वयं को सुल्तान नहीं माना था। इस वंश के अंतर्गत चार सुल्तान आते हैं, पहले तो हो गए खिज्र खान, दूसरे मुबारक शाह, तीसरे मुहम्मद शाह, चौथा अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खान का टाइम पीरियड जो है 1414 से 21, मुबारक शाह का टाइम पीरियड 1421 से 1434, मुहम्मद शाह 1434 से 1445, 1445 से 1451, ठीक है। ये सीरियल है, एक कोड ख मु मू आ, यानी पहला और लास्ट आपको याद रहेगा, बीच में बस मुबारक एक याद रखिएगा कि खम्मू खिज्र के बाद मुबारक आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहां से यही चीज आई। इसके समय में अलाउद्दीन आलम शाह के ही समय में बहलोल लोदी पंजाब का गवर्नर, उसका उत्थान होता है और बहलोल के उत्थान के बाद ही शरीफ आलम शाह, शाह अलाउद्दीन आलम शाह या इन्हें शाह आलम भी कहा है, शाह आलम, ठीक है, उत्थान होता है और बहलोल को उन्होंने सहायता के लिए बुलाया, लेकिन जब देखा बहलोल भी महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं तो अंततः बहलोल ने पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और वैसे ही बहलोल ने अधिकार किया, दिल्ली पर लोधियों का शासन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो शायद ये नेक्स्ट क्लास हम लोग जो करते हैं उसमें कोशिश ये करते हैं कि लोधी तो भाई थोड़ी देर की बात, आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। फिर दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला, चित्रकला, चित्रकला में बहुत विशेष नहीं है, प्रशासन, लोधी प्लस प्रशासन, दिल्ली सल्तनत की प्रशासन। वास्तुकला हम लोग मुगल और सल्तनत दोनों का एक साथ देखते हैं, वैसे सल्तनत का काफी कुछ हो ही चुका है, बहुत ज्यादा विशेष सल्तनत में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति नहीं रही है, जो भी रही है वो खंडहरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास को ज्वाइन करने के लिए या देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।